1.4 question 10. Let I is equal to 1001. A is equal to 5 - 3, 4, 6. B is equal to -7, 3, 2, 8. Find number 1, AI, number 2, BI. I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1001 इसको हम मैट्रिक्स I कहते हैं. तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि AI मालूम करना है. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, AI मतलब ये है कि मैट्रिक्स A के साथ मैट्रिक्स I जो है मल्टीप्लाई करना है. सो 5 - 3, 4, 6, 1, 0, 0, 1. अब इसका भी वही तरीका है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम. सो AI 5 1s are -3 0s are, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 5 0 - 3 1s are. सेकंड रो की बारी है 4 × 1, 4 1s are + 6 0s are, 4 0s are + 6 1s are. अब इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 5 1s are 5 - 3 0s are 0. वैसे ये ज़ीरो का स्टेप इसमें ज़रूरी है, लेकिन वैसे हम एक्सप्लेन करते हैं ना. तो 5 0s are 0 - 3 1s are 3, 4 1s are 4 + 6 0s are 0, 4 0s are 0 + 6 1s are 6. ज़ीरो अगर का स्टेप अगर इग्नोर भी कर ले तो फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं. इसलिए AI 5 - 0 5 हो गया, 0 - 3 - 3 हो गया, 4 + 0 = 4 हो गया, 0 + 6 = 6 हो गया. अगर इसमें गौर आप कर ले तो AI से हमारे पास वापस A आता है, इज इक्वल टू A. इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो उससे वही मैट्रिक्स आंसर आता है. अच्छा जी, सेकंड जो है इसमें सेकंड पार्ट को आप देख ले, BI यानी मैट्रिक्स B को I मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 0 0 1 BI. इसमें भी फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम हम करते हैं -7 1s are + 3 0s are, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम -7 0s are + 3 1s are. दूसरा है सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 1s are + 8 0s are, 2 0s are + 8 1s are. -7 1s are 7 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप हमने छोड़ दिया. -7 0s are 0 यहाँ पर भी ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है, तो 3 1s are 3 हो जाएगा. 2 1s are 2 ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 8 1s are 8. अभी आप देख ले इससे मैट्रिक्स बी आता है. तो इससे हमने ये नतीजा अख्ज किया है, ये कंक्लूजन हमने इससे लिया है कि अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे वही मैट्रिक्स आता है. दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10.